हाय गाइस, आज हम बनाएंगे छोले। इसके लिए मैंने छोले रात में डाल दिए थे, ये देखिए अच्छे से छोले फूल गए हैं। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। छोले को अच्छे से साफ कर लेंगे हम। मैंने साफ कर लिया था, आप भी अच्छे से साफ कर लीजिए उसको। और उस अच्छे पानी में फिर हम उसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैं छोले के हिसाब से डाल रही हूँ। आप जितना छोला बनाएंगे आप उतना ही नमक डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम इसमें डालेंगे खड़ा गरम मसाला, जो मैं पीस के रखती हूँ जनरली। आप अगर खड़ा रखते हैं तो आप उसको पीस के ही डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है। और इसमें हम डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, इससे ये जल्दी पक जाएगा। इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सोडा मत डालिए, ऐसे भी पक जाएंगे। और हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसको ढककर लगा के इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे जब तक ये पक जाएंगे अच्छे से। गैस को हम तेज ही रखेंगे और 2-3 सीटी जितने में ये पक जाए, जनरली 3 सीटी में पक जाता है छोला, इसको हम 3 सीटी तक पकाएंगे। तब तक हम अपनी सब्जी की तैयारी कर लेंगे। देखिए छोले बॉईल हो गए हैं अच्छे से। तो मैं बताती हूँ आपको इनके लिए बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज काट के रखे हैं इस तरीके से, और ये 2 बड़े टमाटर मैंने काट के रखे हैं बड़े बड़े टुकड़ों में। इनको मैं पीस के डालूंगी, और ये जो मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं इनको मैं ऐसे ही डालूंगी। तो प्याज में हम 2 मिर्ची और 6-7 कली लहसुन की, ये सब डाल के मिक्सी में पीस लेंगे इसको अच्छे से। इसको हम कच्चा ही पीसेंगे, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे तेल में। जनरली सब लोग थोड़ा सा तेल डाल के पहले इसको फ्राई करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे ही भुनेंगे पीस के। चलिए तो हम इसको पीस लेते हैं पहले। ये देखिए प्याज का पेस्ट बन गया है। इसको हम खाली करके इसी में हम टमाटर भी पीस लेंगे। इसी तरीके से हम टमाटर भी पीस लेंगे। और इसमें टमाटर में हम ये धनिया पत्ती की जो डंडियां हैं इनको भी डाल देंगे। ये मैंने बाद में गार्निश करने के लिए इसकी पत्तियां निकाल के काट के रखी हैं। और इसको हम इसके जो पीछे के डंठल हैं इनको हम टमाटर के साथ पीस के ही डाल देंगे। ये टमाटर और मैंने धनिया पत्ती जो अभी डंडी उसकी पीसी थी उसका पेस्ट है ये। अब हम इसी जार में थोड़े से छोले भी पीस लेंगे, थोड़े से एकदम। इससे हमारी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये छोले का पेस्ट है जो मैंने अभी छोले पीसे हैं, अब इसको भी हम डालेंगे उसमें, तो ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी बनती है। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। ये गैस में मैंने पैन रख दिया है, गरम हो चुका है, और हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें 1.5 चम्मच डालना है। ऑयल हम जितना प्याज अच्छे से भुन जाए उतना डालेंगे। तो मैंने 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि मैंने 2 बड़े प्याज का पेस्ट बनाया है। ये तेल हमारा गरम हो गया है, तो हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। और तेज पत्ता को हम डाल के बस थोड़ा सा तेल में छोड़ के और निकाल लेंगे इसको। तेल में इसकी खुशबू आ गई है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, और 1/2 चम्मच ही हम इसमें सौंफ डालेंगे। और हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे जो हमने पीस के रखा है। अब हम इस प्याज के पेस्ट को ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। हम सबसे पहले इसमें अभी गरम मसाला डाल देंगे, उसके बाद इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। गरम मसाला हमें तेल में ही डालना है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो तेल में ही अच्छी आती है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए प्याज को हमें इतना ब्राउन भूनना है इसके पेस्ट को।
इसीलिए मैंने प्याज को पहले नहीं भूना था, डायरेक्ट इसको पीस के उसके बाद भूनना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो हम गैस को लो कर देंगे, लो फ्लेम पर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे छोले मसाला, जो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड करेंगे। इसमें हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हम इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च हम थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि मैंने हरी भी डाली है, 1/2 चम्मच से भी कम डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर हम 1/2 चम्मच डालेंगे, पर ये डेली में खाने वाला गरम मसाला है, इसको हम 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसी में ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, जो पीस के रखा था मैंने, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। अब हम टमाटर के गलने तक इसको 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, थोड़ा देर। ढक के भी पका सकते हैं, ऐसे खोल के भी आप तेज फ्लेम पे पका सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ये देखिए, मैंने 2 से 2.5 मिनट इसको पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें छोला डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके, और ये पेस्ट भी हम डाल देंगे जो मैंने छोला पीस के बनाया था। ये देखिए, छोला लगभग रेडी हो गया है। हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। बस इसमें 1 उबाल आएगी और छोला हमारा रेडी हो जाएगा। आप पानी और भी डाल सकते हैं, आपको जितना डालना हो। ये देखिए, सब्जी हमारी पक गई है छोला की, और हम इसको बाउल में निकाल के एक बार जरूर बना के देखिए। इसी ट्रिक से बहुत टेस्टी बनती है ये।